दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए जो है वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कि यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से हम जो है एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और वहां से अच्छा खासा जो है हमारा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वाकई अगर जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मैं यहां पे जो आपको जो आज बताने वाला हूं वो जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि मैं खुद भी जो है आपको यहां पे खुद भी करता हूं ये तरीके को यूज, और आप लोगों को भी यही सजेस्ट जो है मैं करने वाला हूं। दोस्तों यही नहीं कि आप मैं ही नहीं, मैं और भी आपको दो ऑप्शन ऐसे दिखाऊंगा, दो लोग ऐसे दिखाऊंगा जो वाकई जो है इस चीज को कर रहे हैं और काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है एफिलिएट मार्केटिंग से कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे बात आती है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपना या तो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या फिर अपनी खुद की वेबसाइट। ब्लॉग हमें सभी को पता है फ्री है, गूगल का प्रोडक्ट है, कोई परेशानी नहीं है, और वेबसाइट जो है हम अपनी खुद की बना सकते हैं, वहां पे कुछ आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट के अंदर या फिर अपने ब्लॉग के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है डिसाइड करना है कि आप किस, आपको जनरल काम नहीं करना है। यहाँ पे जनरल काम करेंगे तो बहुत जो है हम पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे आपको एक कोई भी एक कैटेगरी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यदि से फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं करता हूँ, मैं स्पेसिफिकली जो है टी-शर्ट्स, मैन टी-शर्ट्स के लिए काम करता हूँ। अब स्लोली ग्रेजुअली जो है मैं मैन से अभी फीमेल टी-शर्ट्स के ऊपर में भी जो है अभी काम स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन हाल फिलहाल जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर सिर्फ मैन टी-शर्ट्स के बारे में ही मैं पूरा काम करता हूँ। यहाँ पे जो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं वैसे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सारों पे काम करके देखा, कन्वर्जन रेशियो होता है लेकिन जितना वेबसाइट से होता है उतना जो है आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है नहीं मिलता। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब यहाँ पे जो एक कैटेगरी स्पेसिफिक होने पे सबसे पहली बात कि आप जो है पर्टिकुलर एक ही निश को यूज कर रहे हो तो आपके पास जो है अगर आपका खुद का ब्लॉग है तो या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है तो लोगों को पता चल गया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है स्पेसिफिकली यही चीज जो है वो अवेलेबल है। अब उनको जो है अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे वो सारी चीजें जो सर्च करते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं और भी, तो उनका माइंड जो है डाइवर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप जो है एक सेलेक्टेड, आपको करना क्या है, आपका जो ब्लॉग है या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है वहां पे वैसे ही प्रोडक्ट जो है आपको यूज करने हैं, सेल करने हैं, डालने हैं जहां जो कि बेस्ट सेलर हो या बेस्ट आपके ट्रेंडिंग जो फैशंस वगैरह हैं, वो सारी चीजें जो है ऐसे ही आपको डालनी है। जैसे कि मैं आपको मेरी वेबसाइट भी दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरह से मैंने टी-शर्ट्स को अलग अलग ब्रांडिंग के अंदर भी जो है यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। तो इसी तरह जो है आप अपनी जो वेबसाइट पे अगर ये सब तरह का कंटेंट डालते रहते हैं तो एक तो लोगों का जो अगर जो आपके विजिटर हैं वो उनको पता चलता है कि आपके इस वेबसाइट के ऊपर यही चीज एक स्पेसिफाइड है, तो इसी के जरिए जो है आप काम करते हैं, तो जब भी उनको या उनके फ्रेंड्स को जो है वापस से वही चीज खरीदनी होगी तो वो क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो सीधा आपकी वेबसाइट पे आएंगे। और वेबसाइट पे आपको करना क्या क्या है, वेबसाइट पे आपको सबसे पहले तो अच्छे अच्छे ब्रांड जो है उनको यूज करना है, उनके ब्रांड वाइज जो है वो भी आपको कैटेगराइज करना है। फिर आपको जो है वहां पे जो बेस्ट सेलर हो, बेस्ट ट्रेंडिंग फैशन हो, फैशन के अंदर हो, तो वो चीजें आपको वहां पोस्ट करनी है। अब इसके साथ साथ जो है आपको मल्टीपल ब्रांडिंग को, जो ब्रांड्स को जो है कंपेयर करना है, यानी कि रिव्यू देने हैं कि आपको करना, ये टी शर्ट अगर रेंज में लेना चाहते हैं तो इसमें जो है ये ब्रांड की ये टी शर्ट अवेलेबल है, ये ब्रांड की ये टी शर्ट अवेलेबल है और ये ब्रांड की ये टी शर्ट अवेलेबल है। तो ये जो है यहाँ पे आप लोगों को एक काम करके दे रहे हो कि जो उनको मतलब वहां पे जाने के बाद जो काम करना है वो आप पहले से उनको करके दे रहे हो, तो यहाँ पे उनका डिसीजन मेकिंग जो है फास्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो है वो बार बार जब ये चीज आप करके दे रहे हो तो लोग जो है एक बार आएंगे तो वो डेफिनेटली वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज के ट्रेंड के हिसाब से आपने अपनी वेबसाइट को मेंटेन किया होगा और उनको जो है इजी हो जाएगा कि ट्रेंडिंग, जो भी ट्रेंडिंग चीज है उसको बाय करने के लिए। और आपको करना क्या है, ये सारी चीजें करने के बाद आपको उसी प्रोडक्ट के नीचे में अपना एफिलिएट
अकाउंट का जो है एक बाय लिंक बाय स्विच के ऊपर जो है लिंक कर देना है। तो इसे इसमें होगा क्या कि जो चीज उनको खरीदनी है उस पर क्लिक करें, अब आपने चाहे वो ब्रांड वाइज में जाके सर्च करें या फिर ट्रेंडिंग के हिसाब से करें या बेस्ट सेलर के हिसाब से करें या कंपैरिजन के हिसाब से करें, रिव्यू के हिसाब से करें, तो जैसा भी वो करें और करने के बाद अगर बाय करेंगे तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन आपकी ही है। तो ये जो है चाहे हम ब्लॉग के ऊपर करें या हमारी खुद की वेबसाइट के ऊपर करें, ये एक पर्टिकुलर निश के ऊपर काम करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में और ये बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मेरी वेबसाइट का अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये nzmart.in जो है ये मेरी खुद की वेबसाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ टी शर्ट्स आपको मिलेंगी और यहाँ पे यही नहीं, आपको मैं यहाँ पे एक रनिंग शूज के लिए एक कैटेगरी को चूज करके यहाँ पे एक और वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट पे आपको सिर्फ और सिर्फ रनिंग शूज से रिलेटेड ही पूरा स्टफ मिलेगा। यहाँ पे इसका कंपेयर किया गया है, जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो बताई गई है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले से करके रखी है। तो जो भी चीज वो खरीदना चाहते हैं तो वो उसके बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और खरीद लेंगे। सेम चीज जो है यहाँ पे ये एक और वेबसाइट है जो सिर्फ यहाँ पे शेवर गुरु है, तो यहाँ पे शेविंग से रिलेटेड ही सारी चीजों को इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हर ब्रांड को यहाँ पे दिखाया गया, उनके कंपैरिजन किए गए हैं, उनके फीचर्स के बारे में हाईलाइट किया गया है। तो ये चीज जो है आज आगे चल के जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में होने वाली है। तो डेफिनेटली यार यहाँ पे जब भी इससे होगा क्या, आपकी वेबसाइट भी डेफिनेटली बहुत जल्दी जो है रैंकिंग में आ जाएगी क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को जो है टारगेट करके आप चल रहे हो। दोस्तों आई होप कि जो है इस तरह का अगर आप काम करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे रेगुलर विजिटर जो है उनको एक डेस्टिनेशन जाता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ये जाके ये चीज खरीदनी है, तो ऐसे में रिपीट विजिटर जो है रिपीट कस्टमर हमें मिलने लग जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और जो है धीरे धीरे हमारी वेबसाइट के ऊपर से जो है काफी ज्यादा अच्छा जो है यहाँ पे बाय होना चालू हो जाता है। और बाय तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ डेली के कुछ प्रोडक्ट उठाने हैं और उठा के हमारी वेबसाइट पे डाल देने हैं। दोस्तों आई होप कि ये जो ट्रेंड ये जो ऑप्शन आपको मैंने आज बताया है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अगर आपका कोई भी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।